दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिस्टम को असेंबल करना बताएंगे जिससे आप अपने YouTube वीडियो को एडिट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, जो सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह सिस्टम सारे सिस्टमों से सबसे सस्ता सिस्टम है। इससे सस्ता सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखे होंगे कि इतने हज़ार में ये सिस्टम है, लेकिन दोस्तों, जो सिस्टम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये सबसे सस्ता भी है। और दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो भी हम एडिटिंग करते हैं, जो भी अपना यूट्यूब का जो भी वीडियो बनाते हैं, जो आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ इसी सिस्टम से एडिट किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से इस सिस्टम को असेंबल किया जाता है और इसमें क्या क्या हमने जोड़ा हुआ है और इसमें क्या क्या हमने लगाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएम टेक्नो गुरु में। मैं हूँ सुनील मौर्य। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस सिस्टम को समझने के लिए ये सारे चीज़ें हैं। अब हम बारी बारी से सबके बारे में बता दे रहे हैं। दोस्तों, यह है 61 बोर्ड, ये चाइना बोर्ड है और यह सेकेंड जनरेशन का बोर्ड है। इस पर हम i3 प्रोसेसर सेट करेंगे। ये i3 प्रोसेसर है और इसका स्पीड की बारे में बात करें तो 3.1 GHz का इसका स्पीड मिलेगी और यह प्रोसेसर भी सेकेंड जनरेशन का है। तो इसी को हम सेट करके और असेंबल करके दिखाएंगे कि इसमें कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये प्रोसेसर यहाँ पे लगेगा, तो इसके लिए पहले हम इस प्रोसेसर के ऊपर का ये हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये दोनों तरफ ये कटा हुआ है। ये ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे है और इधर भी कटा हुआ है। तो यहाँ पे भी एक साइड में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इन दोनों के साइड पे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कभी भी हाथ मत लगाइएगा। हाथ लगाएंगे तो हल्का सा भी कोई भी पिन टेढ़ा हो जाता है या टूट जाता है तो आपका पूरा बोर्ड ही बेकार चला जाएगा, आपको नया बोर्ड लेना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस प्रोसेसर को हल्का सा इसी पे एक साइड से रख कर छोड़ देंगे, ये आराम से सारे खानों में बैठ जाएगा। और ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये प्रोसेसर बाहर ना हो, यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ से इसमें ध्यान रखिएगा, जो कटा हुआ है यहाँ पे ये फिट हो जाएगा। ये दोनों तरफ फिट होने के बाद इसको नीचे करके और स्क्रू में इस तरह से फंसा देंगे और इस तरह से टाइट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इस पर इसका प्रोसेस का ऊपर एक पेस्ट आता है जिसको हीट सिंक लिक्विड पेस्ट बोलते हैं। और इसको लगाने के बाद ये प्रोसेसर का जो हीट होता है यह खींच कर उसको ठंडा हमेशा रखता है। तो यहाँ पे थर्मल पेस्ट लगाएंगे। तो दोस्तों, यह है इसका थर्मल पेस्ट। इसको यहाँ से ओपन करके यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ पे फ़ैन लगाएंगे। दोस्तों, फ़ैन तो बहुत सारे तरीके मिलेंगे, आप जैसा फ़ैन रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट करिएगा। कुछ आते हैं ये स्क्रू में कसना होता है, कुछ इस तरह से लॉक में आते हैं। तो हमारे पास ये लॉक वाला कूलिंग फ़ैन है, तो हम इसको सेट करना दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये इसको सेट करने के लिए कुछ प्लास्टिक के हैं, इन सभी को यहाँ पर बारी बारी से लगा लेते हैं। इस तरह से होने के बाद अब इससे इन सभी से इस चारों को लॉक कर देंगे। दोस्तों, यह लॉक हो चुका है, यह अब यहाँ से उखड़ेगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद इस फैन को यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो एक साइड के पिन को इधर किसी भी साइड हम पहले फंसा लेते हैं, देखिए इस तरह से यहाँ पे इसमें जो ये लॉक है, ये लॉक है, तो यहाँ पे इसमें फंसा लिए और इस साइड ऐसे रख कर और दूसरे साइड यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे दबा देंगे, ये बैठ गया। और देखिए, इसको हम हिला के देख लेते हैं, ये पूरा तरीके से अच्छे से टाइट हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस फैन को ऑन करने के लिए या इसे चलाने के लिए ये केबल है। और इस केबल को देखिए, हर बोर्ड में ये जो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है CPU फैन, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये CPU फैन लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन हर बोर्ड में यहीं पे नहीं होता है, कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है। तो आप उस बोर्ड के हिसाब से देख लीजिएगा, वहाँ पे उस पिन के नीचे CPU फैन इस तरह से
लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस केबल को यहाँ पे फिट कर लेंगे। इस तरह से ये फिट हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट है इसमें रैम की। तो इसमें हम ये दो 4-4 GB का DDR3 रैम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ से इन दोनों को इंसर्ट करेंगे। दोस्तों रैम लगाने का सही तरीका यही है कि ये दोनों, ये लॉक दिया हुआ है, लॉक को दोनों तरफ से पीछे कर देंगे। और ये जो देखिए यहाँ पे एक साइड से यहाँ पे कटा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कटा इसी खाने में पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से करके और इसको दबा देंगे। जैसे यहाँ पे दबाएंगे तो ये दोनों लॉक आकर यहाँ पे फिट हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से दूसरा रैम भी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इसको दबा देंगे। देखिए ये दोनों तरफ से ये फिट हो गया। अगर नहीं भी होता है तो अपने हाथों से ये हल्का सा दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड पे प्रोसेसर और फैन रैम सेट हो चुका। अब चलते हैं कैबिनेट की तरफ और उसमें SMPS कैसे सेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये GB का 2 GB का ग्राफिक कार्ड है जो NVIDIA का है, और इसको भी हम बताएंगे। यहाँ पे इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे एक VGA, HDMI और DVI पोर्ट यहाँ पे मिला है, तो इसको भी हम सेट करेंगे। और हार्ड डिस्क की जगह पे यहाँ पे हार्ड डिस्क न यूज करके हमने इसको किंगस्टन का एक SSD 240 GB का यहाँ पे SSD यूज कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे सिस्टम का स्पीड बहुत ही अच्छा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैबिनेट में सेट करते हैं। तो दोस्तों यह है आईबॉल का कैबिनेट, इसी कैबिनेट में हम सेट करेंगे। तो इसको चलिए ओपन कर लेते हैं, इसका ढक्कन हटा लेते हैं। ये यहाँ से ओपन हो चुका है। दोस्तों ये जो सेक्शन है ये सेशन है। इस सेक्शन में हम SMPS सेट करेंगे। और हमारे पास जो SMPS है ये 500 वाट का SMPS है, और यहाँ से इसको हल्के से यहाँ पे सेट कर देंगे। और यहाँ पे ये पीछे स्क्रू टाइट कर लेंगे। ये SMPS इसमें टाइट हो चुका है। उसके बाद अब हम यहाँ पे पहले इस केबल को बाहर इस तरह से रख लेते हैं। उसके बाद ये पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो केबल्स होती हैं इसको हम अभी बता देंगे कौन पावर वाली केबल है। और ये दोस्तों ये है USB के जो फ्रंट USB होता है, उस फ्रंट USB को कनेक्ट करने के लिए केबल है। और ये केबल ऑडियो जैक के लिए है। ठीक है, तो इसको भी किनारे रख देते हैं, पहले हम बोर्ड सेट करते हैं इस पर। दोस्तों बोर्ड सेट करने से पहले इसका एक ये पैनल होता है, इस पैनल को यहाँ पे सेट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद दोस्तों मदरबोर्ड को यहाँ पे सेट करने के लिए यहाँ पे स्क्रू टाइट करेंगे। दोस्तों किसी किसी कैबिनेट में ये स्क्रू यहाँ पे नहीं होते हैं, तो वहाँ पे सेट करने के अलग से देता है, तो वहाँ पे सेट किया जाता है। इस कैबिनेट में पहले से ही यहाँ पे है। इस बोर्ड को भी यहाँ पे सेट करके देखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी खाने दिया है वही उसी खाने में ये फिट होना चाहिए, तभी इस स्क्रू पे आप लगा पाएंगे या टाइट कर पाएंगे। इस तरह से यह मदरबोर्ड इसमें फिट हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्रू टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये इस तरह से बोर्ड को सेट कर लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम ये ग्राफिक कार्ड यहाँ पे सेट करेंगे। दोस्तों ग्राफिक कार्ड सेट करने के लिए इसको पहले हमें खोलना पड़ेगा। ये यहाँ से स्क्रू निकल गया। उसके बाद इसको इस तरह से ऊपर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस ग्राफिक कार्ड को लगाएंगे। पहले यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये वाला सेशन ये इस तरह से टाइट रहता है, और इसको हम पीछे करेंगे। और किसी किसी मदरबोर्ड में इस तरह जिस तरह से रैम को फिट किया गया है उसी तरह से ग्राफिक कार्ड में भी होता है। इसमें ये पीछे हटाने के लिए दिया हुआ है, आगे पीछे करने के लिए दिया हुआ है, यानी कि जिसे ग्राफिक कार्ड है यहाँ पे इसको लॉक करने के लिए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इस सेक्शन में यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कटा हुआ यहाँ पे भी है और यहाँ पे, और ये वाला सेक्शन इस सेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे भी देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे लगा के हल्का सा इसमें प्रेस कर देंगे। इस तरह से ग्राफिक कार्ड यहाँ पे फिट हो जाएगा, और ये जो पीछे के जो सेक्शन था इसको हम आगे की तरफ पुश कर देंगे, तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। अब इस ग्राफिक कार्ड को खींचेंगे तो ये आग बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ से लॉक हो चुका है।
उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू टाइट करेंगे। ये यहाँ पे आप देखिए इस तरह से ये ग्राफिक कार्ड यहाँ पे सेट हो गया। मदरबोर्ड यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मदरबोर्ड जब भी सेट करिएगा तो ये सारे ऑप्शन आपको क्लियरली दिखने चाहिए, ठीक है, तभी यह सही होगा। उसके बाद इस SSD को यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं पर भी हम इसे टाइट कर सकते हैं, तो हम यहीं पे टाइट कर लेते हैं। एक और स्क्रू डाल देंगे यहाँ पे, ये SSD भी यहाँ पे सेट हो गई। अब सबको कनेक्शन करके बताते हैं किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। पहले तो हम बोर्ड को पावर सप्लाई देते हैं। तो बोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए ये दो केबल्स होती हैं, ये और ये, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये और ये। तो इसको यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये सारे जो केबल्स दी हुई हैं इन सभी को अब हम बारी बारी से कनेक्ट करके दिखाएंगे कि किस तरह से इन सभी को कनेक्ट किया जाता है। तो पहले हम बोर्ड का जो भी कनेक्शन है सारा कनेक्शन हम कर लेते हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे। तो पहले ये कौन सा केबल है, ये ऑडियो केबल है, ये है ऑडियो जैक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो पीला में दिख रहा है ये ऑडियो जैक है, और ये ऑडियो जैक यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये इस तरह से ऑडियो जैक को पहचानने का तरीका ये है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर लॉक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी एक पिन नहीं होगा। देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा एक यहाँ पे पिन नहीं है, तो उसी तरह से इसको यहाँ पे फिट करेंगे। चलिए फिट कर लेते हैं इसको, ये फिट हो गया। उसके बाद इस USB वाले केबल को सेट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए एक यहाँ पे USB दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पे तीन USB दिया हुआ है, किसी एक में आप फिट कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पे भी लॉक, यहाँ पे देखिए एक पिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए एक पिन नहीं है, तो उसी के साइड में यहाँ पे जाके इसको फिट करेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है इस तरह से एक साइड यहाँ पे जाना ही है, उस तरह से यहाँ पर भी वैसा ही है, तो यहाँ पे आराम से इसको फिट कर देंगे। ठीक है, ये फिट हो गया। अब आगे के पैनल को रिस्टार्ट यहाँ पे ध्यान रखिए, ये पावर स्विच है। उसके बाद HDD LED है, जो HDD जो प्रोसेस होता है उसका लाइट जलाने के लिए ये केबल है। उसके बाद यहाँ पे पावर LED के लिए दो केबल हैं, और उसके बाद ये वाला रीस्टार्ट के लिए स्विच है। तो चलिए हम बारी बारी से दिखाते हैं कहाँ कहाँ लगाना है। दोस्तों ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे पावर स्विच कहाँ लगाएंगे, जो भी केबल आती है, तो जो ये इस तरह से या तो कलरफुल दिया होगा, अगर कलरफुल देता है, किसी किसी में नहीं देता है, तो वहाँ पे फ्रंट पैनल लिखा होगा, तो फ्रंट पैनल में ही लगाना होता है। देखिए ये जो यहाँ पे एक पिन नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे एक पिन नहीं है, तो उस पिन के तरफ ये जो दो केबल हैं ये पावर के लिए हैं, पावर स्विच के लिए हैं, और यहाँ पे पावर ये दो हैं ये पावर LED के लिए है। पावर स्विच के पीछे जो दो है इसको छोड़ देंगे, ये जो है इसको छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा और तीसरा में ये रीस्टार्ट के लिए है, और यहाँ पे HDD लाइट के लिए है। तो यहाँ पे सेट कर लेंगे, पावर स्विच है तो पावर स्विच को यहाँ पे लगा लेंगे, ये है पावर लाइट तो हम पावर लाइट को भी लगा लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये रीस्टार्ट है, रीस्टार्ट को भी लगा देंगे, और ये LED है, HDD LED है। तो इस तरह से बोर्ड से सारे चीज़ों का कनेक्शन हो चुका है। अब एक बचा है HDD, एक केबल आती है जिसे साटा केबल बोलते हैं, इस तरह से ये साटा केबल है, इस साटा केबल को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। पहले हम इस हार्ड डिस्क को या SSD को पहले पावर सप्लाई देते हैं। तो पावर सप्लाई देने के लिए ये सेशन है, तो इस सेशन को यहाँ पे देखिए एक तरफ कटा हुआ है, एक तरफ कटा नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे SSD में लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए एक बड़ा दिया हुआ है, एक छोटा दिया हुआ है, तो ये साटा के लिए, ये डेटा के लिए है, और ये पावर के लिए है। तो ये पावर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और ये जो सेशन है देखिए यहाँ पे भी कटा हुआ है, और इसमें भी एक तरफ कटा हुआ है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे भी सेट कर लेंगे, ये फिट हो गया। अब ये जो सेशन है दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चार साटा पोर्ट दिया हुआ है, तो इसमें से किसी में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा कोशिश करिएगा कि पहले साटा में लगाएं, जिससे कि हार्ड डिस्क को तुरंत रीड कर ले बोर्ड। अगर नेक्स्ट में लगाएंगे तो पहले पे आएगा, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पे, थोड़ा सा टाइम लेगा।
तो इसमें ये वाला पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो हम पहले वाले सेशन में लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फिट कर लेंगे, ये खट से करके बैठ गया। ये बैठ जाने के बाद सारे केबलों को यहाँ पे बारी बारी से करके सहेज लेंगे, जिससे कि इस फैन पे भी ना लड़े। अगर ये फ़ैन पे लड़ता है तो ये फ़ैन नहीं चलेगा, और जिसके कारण से आपका प्रोसेसर ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वायर्स हैं, इनको हम टाइट कर लेंगे, इस तरह से हम कहीं बांध देंगे। और ये जो एग्जास्ट के लिए ये जो फ़ैन लगा हुआ है, इस फ़ैन को इस पावर केबल से यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी सिस्टम को असेंबल कर सकते हैं दोस्तों। ये है पावर सप्लाई का ये केबल, या SMPS में प्लग इन करेंगे। उसके बाद ये VGA केबल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी ग्राफिक कार्ड लगा हो तो ग्राफिक कार्ड में ही लगाएं, ना कि ये जो VGA चाहे HDMI जो केबल लगा रहे हैं वो बोर्ड में लगाएं। अगर बोर्ड में लगाते हैं तो आपको डिस्प्ले मॉनिटर पे कोई भी डिस्प्ले नहीं आएगी। इसका ये सारा डिस्प्ले जो भी आएगा ये ग्राफिक कार्ड से आएगा। तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड में इस VGA केबल को प्लग कर लेते हैं, इस तरह से प्लग करेंगे, और कीबोर्ड माउस को यहाँ से बोर्ड में प्लग कर लेंगे। अब ये पावर वाली बटन है, अब इसको प्रेस करेंगे। देखिए ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अब डिस्प्ले देख लेते हैं। अब देखिए इस तरह से यह सिस्टम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।